गलत कर रहा है, निकलना ऐसा मत कर, हिंदू आ गया भाई, नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रिएक्ट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो भाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम जो है एक सोशल एक्सपेरिमेंट है। तो एक हिंदू सन्यासी जो है भाई मस्जिद में जाता है इफ्तार के लिए, तो देखते हैं वहां पे क्या होता है उसके साथ। तो भाई पहले ही बता रहा हूँ ये सोशल एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये है कि ये क्रिएटेड कंटेंट नहीं है। मतलब वहाँ पे जो भी है किसी बंदे को पता नहीं था कि ये मतलब सोशल एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो वहाँ पे लोगों का बिहेव कैसा होता है और क्या क्या होता है वहाँ पे, तो इस वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो शुरू करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि मेरी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो करते हैं भाई वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम। तो दोस्तों आज हम लोग मस्जिद में जाएंगे, उन लोगों का रमजान मास चल रहा है, हिंदू सन्यासी बन के जाएंगे इफ्तारी करने के लिए, तो क्या होता है देखते हैं। तो हम मुस्लिम बन के इसको मारेंगे, धक्का देंगे, पूरा निकाल देंगे, उसके बाद देखते हैं मस्जिद में जो लोग रहेगा उसको सपोर्ट करते हैं ना मुझे सपोर्ट करते हैं। तो भाई क्या चाहिए इधर? भाई तीन दिन से कुछ नहीं खाया तो मस्जिद देखा, ये इफ्तारी चल रहा है तो मैंने। तुम हिंदू है ना? हाँ भाई। बाहर जाओ, ऐसा मत कीजिए भाई, तीन दिन से कुछ नहीं खाया, बाहर जाओ, ऐसा मत कीजिए भाई, तीन दिन से कुछ नहीं खाया। उठो उठो उठो, अरे हिंदू है तो नहीं खा सकते भाई? नहीं, ये मुस्लिम लोग का है, चुप निकल, उठो। अरे क्या हुआ भाई? भाई वो हिंदू तो क्या हुआ भाई? हिंदू हो तो क्या हुआ? नहीं भाई, तो क्या हुआ भाई? हम हिंदू है तो खा नहीं सकते क्या भाई? उसको भूख लगा, वो हम लोग का इफ्तारी में आया। नहीं भाई, वो मुस्लिम लोग का, ये मुस्लिम लोग का है भाई। मस्जिद देख के कोई मुस्लिम ज्यादा बात नहीं, आप लोग भाई कोई निकल जाओ, आप लोग इफ्तारी कर रहे हो भाई, बस ले चलाया भाई, तुम निकलो भाई, ऐसा मत करो भाई, हिंदू है तो नहीं खा सकते भाई। तुम मुस्लिम, ये मुझे भाई ये समझ, हां बोलो भाई, ऐसा मत, ये हम लोग का है ना, हिंदू मुस्लिम अलग है, हम लोग हिंदू है बोल के बैठ नहीं सकता भाई। वो हिंदू बहुत बार हरा भी जाता है भाई, क्या हुआ भाई? ऐसा मत कर, हिंदू आ गया भाई इधर, नहीं हो तो क्या हुआ, क्या हुआ भाई? वो हिंदू का क्या हुआ? ये मुस्लिम लोग का है, हम लोग का रमजान महीना में, हां बोलो, वो आया इफ्तारी करने आया मस्जिद भाई, आप लोग का इफ्तारी का टाइम है तो इसलिए। अरे भाई, अरे आप लोग का, अरे भाई भाई तुम बैठो भाई, तुम बैठो भाई, तुम बैठो, उठो उठो निकलो, वो इफ्तारी करने नहीं आया भाई, तुम बैठो भाई, तुम बाहर जाओ भाई, उन्हें पूछो। चल 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 चल, सुनो सुनो, उसको बाहर दे दो, वो हिंदू है, हिंदू मुस्लिम कोई बोल के बात नहीं। चल मेरा बात सुनो, उनका पूजा में हम लोग जाते हैं, करने से जो निकलेगा हमारा भी वही है, उससे पूजा में हम लोग जाते हैं, जाइए मत, जैसे तो आपका मर्जी है, वो मना नहीं किया, वो हिंदू है, हम मुस्लिम हैं, इधर नहीं इधर एक साथ में चलते हैं भाई, बहुत आज अच्छा उसको निकालो, अरे अरे भाई चलो मत करो, अरे अच्छा क्या हाल चाल, अरे अच्छा वो हिंदू है भाई, क्या हुआ भाई? वो तो इफ्तारी करने आया, तो इफ्तारी करेगा, तुम बाहर जाने बोला, अरे अच्छा वो तो हिंदू है, अच्छा तुम चलो चलो तुम चलो तुम चलो, हम हिंदू है, गलती हो गया, अरे भाई ठीक है, हिंदू मुस्लिम हो रहा भाई ये सब, अरे भाई वो हिंदू है क्यों आएगा भाई? अरे आप निकल निकल निकल, तू इधर से, वो लोग चाचा आप गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, निकलना, निकल निकल, अरे चाचा उसे छोड़ो, अरे तुम निकलो, तुम निकलो, तुम निकलो, चलो निकलो, चलो, अरे अरे चाचा हम मुस्लिम है, बैठिए आप, बैठिए, हम ही मुस्लिम है चाचा, वो हिंदू है चाचा, अरे भाई वो हिंदू है, हमको मार रहा है, हम मुस्लिम है, खाने आ गया, खाने आ गया, उसको मारो, हम लोग उसका पूजा में जाते हैं, वो बात अलग है, ये बात अलग है, वो बात अलग है, रमजान इफ्तारी इफ्तारी सब का है, बैठिए भाई वहां पर सब का है, जो रोजा नहीं रखता भी आएगा, ये भी जो उसका आप नहीं जाओगे, आप नहीं घुसोगे, क्यों भाई ऐसा मत करो, नहीं नहीं मेरा टूपी दे दो इधर, बैठिए भाई आप बैठिए,
एक्चुअली अभी इफ्तार का टाइम है, अरे लोग सब गुस्सा हो गया क्योंकि टाइम भी हो गया, सारा एक बार सुनिए। नहीं नहीं, आप लोग के बाद में रोजा करते हैं, आप लोग यहाँ पर आके झगड़ा करने आते हैं। हम लोग मैसेज किया, एक मिनट है दीदी। तो चाचा लोग इतना गुस्सा हो गया तो क्या बोले हमको? तो साज यहाँ पर इफ्तारी खोलता है, समझे नहीं? यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई सवाल नहीं, हम लोग सब एक साथ मुस्लिम भाई भाई। हाँ, हम लोग सब भाई भाई, सब भाई भाई खाओ, दोस्ती में रहो। नहीं, हम बोला चाचा ये हिंदू मान के मस्जिद में ये होना चाहिए, खा सकता हूँ उसको बोलेगा तुम क्या मत खाओ। चाचा ये चाचा बहुत गुस्सा का चाचा, डोंट माइंड, कुछ माइंड मत कीजिए, कुछ माइंड चाचा, कुछ माइंड मत कीजिए। तो एक चीज देखा है आप लोग, हम लोग एक जगह रहते हैं, एक जगह मिल के रहते हैं, एक जगह खाना, एक जगह उठना, एक चीज है कि हिंदू मुस्लिम कोई फर्क नहीं है, हम लोग भाई भाई है, एक साथ में रहते हैं। तो एक चीज देखा है, सब लोग कितना प्रोटेक्ट कर रहा है, जो नहीं हमको मार रहा है, क्यों गलत बात बोल रहा है, हमको भगा दिया इधर से मार के, तो इसको सपोर्ट किया भाई, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा कि मतलब कुछ नहीं है, भेदाभेद नहीं है, सब लोग एक साथ है, ठीक है, ये बहुत अच्छा लगा। इन लोग अभी नमाज पढ़ रहा है, ठीक है, तो नमाज का टाइम हो गया। तो तो एक चीज देखा है, सब लोग कितना प्रोटेक्ट कर रहा है, जो नहीं हमको मार रहा है, क्यों गलत बात बोल रहा है, तो हमको भगा दिया इधर से मार के, तो इसको सपोर्ट किया भाई, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा कि मतलब कुछ नहीं है, भेदाभेद नहीं है, सब लोग एक साथ है, ठीक है, ये बहुत अच्छा लगा। इन लोग अभी नमाज पढ़ रहा है, ठीक है, नमाज का टाइम हो गया, तो चलो मिलते हैं बाद में। थैंक यू गाइस, बाय बाय। सो गाइज ये थी वीडियो, बहुत मजा ना, सोशल मैसेज है गाइज। मैं ना एक चीज हम सभी को बता, आपको बताया, मुझे पता है कि जो मुस्लिम्स हैं या जो हिंदू हैं ना, हम हमारे बीच में कोई भी ऐसे दिमाग में नहीं है। अब जब हम मंदिरों में जाते हैं, वहां पे कोई मुस्लिम आ जाएगा तो हमें ये नहीं होगा कि इसको भंडारे में नहीं बिठाना, इसको खाना नहीं देना, हम बोलेंगे कोई आया है भाई, हिंदू मुस्लिम कुछ भी है, लेकिन यहाँ पे सभी भाई ऊपर वाले के घर पे आए हैं ना, तो यहाँ पे हर एक को खाना देना बनता है। अच्छा लगा यार वीडियो देखा, और देखा कि 99% पाकिस्तानी जो है ना, लेकिन मोस्टली जो पाकिस्तानी है वो इस तरह नहीं कर सकते, इतना बड़ा वो दिल नहीं रख सकते जिस तरह के इंडिया में। धक्के उठा के उसको मारा, कहता है जो उसके रगों में खून बह रहा है वो हमारी रगों में खून बह रहा, और लड़के भी उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, फुल 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 कर रहे थे। मतलब ये तूने देखा, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कहता भाई भाई आओ खाते, उसको बिठाया और उल्टा वो जो मुस्लिम मान के आए थे उनको धक्के दिए। फिर रोला भाई, बात बड़ा रोला पूरी मस्जिद में, मतलब रोला बंद कर दिया। इंडिया अनेकता में एकता वो वैसे ही नहीं, ये ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट हुआ भाई, लोग देख लो कितने थे, ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट हुआ ये। कुछ होते हैं फेक होते हैं वो पता लग जाता है, लेकिन ये ओरिजिनल था, इसमें जितने लोग थे ना, देखो लड़ाई लगा, हम कभी भी ये नहीं कहते। हमने इस वीडियो का टाइटल पढ़ा तो टाइटल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, तो हमें लगा कि हम इस पे अभी कुछ बता नहीं सकते, पहले हम वीडियो का कंटेंट देखना चाहते हैं कि उसके अंदर उन्होंने क्या दिखाया, फिर हम अपने थॉट्स शेयर करेंगे आपके साथ। चाहते हम भी यही थे कि ऐसा ही हो, और ये एक एक्सपेरिमेंट था, ये हमें वीडियो के अंदर जाके पता लगा कि जो दो भाई थे वो कुछ ऐसा मतलब प्लान कर रहे थे, प्रैंक कर रहे थे उन लोगों के साथ, पर उन लोगों ने जैसे पूरी कम्युनिटी ने मिलके उनको समझाया कि रमजान चल रहे हैं, हम
किसी गरीब को खिला सकता है, तो यहाँ कोई फर्क नहीं है, जो आए हम उसको वेलकम करते हैं, सब हमारे लिए भगवान समान है। इतना अच्छा लगा ये मैसेज देके, नहीं तो जब वीडियो स्टार्ट हुई थी और वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे उन्होंने एक दो क्लिप्स डाले उसके अंदर वो लोग उसको धक्के देके बाहर निकाल रहे थे, तो मैं सच में शॉक्ड हो गई थी कि क्या सच में ये हुआ इस वीडियो के अंदर। वहां पे इंडिया में मुस्लिम और हिंदू की काफी मतलब के प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा भी है कि पाकिस्तान में इस बात को मैंने काफी सोशल एक्सपेरिमेंट देखे हैं। मैं पाकिस्तान में भी कोई इंडियन गर्ल बन के आ जाती है, हिंदू गर्ल बन के, फिर हिंदू बॉय बन के मतलब रोड्स पे प्रैंक करते हैं, लोगों के साथ सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो लोग हिंदूज को ही डिफेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि किसी भी रिलीजन में ऐसे नहीं लिखा होता कि आप किसी के साथ बैठ के खा नहीं सकते या किसी को आप भगा दो, किसी के साथ ज्यादती करो। सब रिलीजन होते हैं पीस का जो है ना एक मैसेज देते हैं। मैं आपसे कहना चाहेंगे इसके बारे में, कैसी लगी आपको? मुझे अच्छी लगी वीडियो, लेकिन ये है कि जैसे उस बंदे ने प्रैंक किया, ऐसे शेफ्सन लोग जो है ना वो हर मजहब में ही होते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, मेरे दिमाग में जब कुछ मुझे बिल्कुल रियल लग रहा था दरमियान में जब वीडियो शुरू थी, तो मैं सोचा था कि अब कुछ लोग इस वीडियो को भी उठा के मतलब कुछ और रंग दे के लोगों को दिखाएंगे कि ये देखो मुस्लिम, ये कुछ लोग तो थे ना मुस्लिम जो भगा रहे थे, जो बंदा खुद मुस्लिम बन के उसको भगा रहा था, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस वीडियो को उठा के पूरा अलग रंग देते हैं कि देखो मुस्लिम तो ऐसे ऐसे नहीं कि मुस्लिम ना हिंदू ऐसे है ना मुस्लिम ना कोई और रिलीजन वाले, सारे मतलब रहते, कुछ लोग ऐसे अच्छे और बुरे हर जगह पे होते हैं, हम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के जो नफरतें फैलाते हैं, हेट फैलाते हैं लोगों के दरमियान। ये वीडियो बिल्कुल मुझे इमोशनल कर रहा है। मैं हमेशा जब बोलता हूँ हमेशा कि अच्छे और बुरे हर जगह पे होते हैं, आप एक बंदे की वजह से एक बंदा कोई ऐसा हेट बात कर लेता है, लोग हम काफी रिएक्शन वीडियो देते हैं, तो वो लोग उसको उठा के जो है उसको पूरे रिलीजन के साथ जो है वो कर देते हैं। दिस वाज लाइक द बेस्ट एक्सपेरिमेंट आई सॉ इन दीज ऑल दीज मंथ्स। आपसे दूरी बड़ी खटक रही थी मुझको, और मुझे गर्व है कि इस भारत की मैं निवासी हूँ, ना कि वो जो हमारे झूठे राजनेता हमको शोकेस करते हैं। आई एम प्रिटी श्योर आपको भी रोना आया ना, एक बार आंखों में से आंसू भर गए थे वीडियो देखते वक्त, और वीडियो को रोक करके मैंने ये चुन्नी ओढ़ी, आपको दिखा होगा, क्योंकि ये लाजमी होता है। मैंने कई मर्तबा ये नोट करा कि कुछ लोग ना रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, कुरान शरीफ चल रहा है और वो हेड कवर नहीं कर रहे हैं, या मुस्लिम जो रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं उसमें अंबे माता जी की आरती चल रही है और सर को ढका नहीं गया है। तो इट्स अ मैसेज फॉर ऑल दैट रिस्पेक्ट रिलीजन, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, और भाई सोशल एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने देखा, तो भाई सोशल एक्सपेरिमेंट आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो इसमें भाई अब मैं इस वीडियो के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन ये है कि जो रियलिटी में मतलब अभी दिख रहा था उसमें तो भाई यही लग रहा है कि वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे, मतलब जो वो सन्यासी बन के गया था लड़का तो उसी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, और जो मुस्लिम बन के गया था उसको तो बाहर निकाल रहे थे वो, और चाचा तो भाई काफ़ी गुस्सा हो गए थे। तो मतलब ऐसा नहीं है, मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई सारे मतलब रिलीजन में कुछ ना कुछ गलत लोग भी होते हैं कुछ, और बहुत सारे अच्छे भी होते हैं। तो मतलब अब ठीक है, अब वो बंदा बोल रहा 3 दिन से हमने मतलब मैं भूखा हूँ, मैंने खाना नहीं खाया, तो कोई बात नहीं यार, वो चाहे हिंदू है या मुस्लिम, अगर किसी हिंदू के पास अगर कोई मुस्लिम आ जाए और बोले कि 3 दिन से खाना नहीं खाया, तो भाई खाना देने में मुझे नहीं लग रहा कोई बुराई है। लेकिन कई लोग होते हैं कि मतलब एकदम, जबकि वो रिलीजन के बारे में जानता मुझे, वो ऐसे लोग होते हैं ना जो ज़्यादा जानते ही नहीं, लेकिन उनको बस एक चीज़ से मतलब होता है कि ये हिंदू है, या एक चीज़ से मतलब होता है कि ये मुस्लिम है। तो भाई हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं होता, और यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है तो एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने देखा ही है। तो बाकी आप लोगों को जो भी राय होगा वो कमेंट में आप लोग बता सकते हो, और भाई अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।